दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियां लोग किसी न किसी रूप में खाते ही हैं और हरी सब्जी सेहत के लिए बहुत लाभदायक भी होती है। दुनिया भर में सबसे पॉपुलर हरी सब्जी पालक ही है, क्योंकि यह पूरी दुनिया के अंदर पाया जाता है। और इसका कारण यह भी है कि पालक आयरन से भरपूर होता है। पालक से आप कई तरह की लजीज डिशेज तैयार कर सकते हैं। पालक का सेवन हर तरीके से स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। अगर आप हर रोज पालक खाते हैं तो इसके आपको बहुत सारे फायदे और कुछ नुकसान भी देखने को मिलेंगे। पालक को अंग्रेजी में स्पिनेच कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम स्पिनासिया ओलेरेसिया है। पालक का सेवन हर तरीके से स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। पालक पनीर से लेकर पालक के पत्तों की चाट बच्चे और बड़ों दोनों को ही काफी पसंद होती है। अगर आप हर रोज पालक खाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसके फायदे मिलेंगे तो कुछ नुकसान भी। एक्सपर्ट बताते हैं कि पालक बहुत से पोषक तत्वों का खजाना होता है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, आयरन, फोलेट और पोटाशियम। इसमें फाइबर, प्यूरिन और ऑक्सैलिक एसिड भी होता है। पालक का सेवन तभी तक फायदेमंद है जब तक इसे सीमित मात्रा में लिया जाए। ज्यादा मात्रा में खाने से इसके बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पालक खाने के बेहतरीन फायदे और इसको खाने के कुछ नुकसान। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें और आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ बने रहें। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पालक से होने वाले फायदों के बारे में। नंबर एक, वजन घटाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बढ़े हुए वजन से परेशान हैं तो पालक का सेवन वजन घटाने में मदद कर सकता है। ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि पालक में वजन घटाने वाले गुण पाए जाते हैं। दरअसल वजन घटाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप कैलोरी की मात्रा का सेवन कम करें। पालक एक कम कैलोरी वाला खाद्य पदार्थ है जिसे आहार में शामिल कर आप अपने बढ़ते हुए वजन को नियंत्रित कर सकते हैं। नंबर दो, कैंसर को दूर भगाता है। जी हाँ दोस्तों, कैंसर के लिए भी पालक का प्रयोग फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल पालक बीटा कैरेटीन और विटामिन सी से समृद्ध होता है और ये दोनों ही पोषक तत्व विकसित हो रही कैंसर कोशिकाओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह फ्री रेडिकल्स और कार्सिनोजन, एक पदार्थ जिससे कैंसर होता है, को भी रोक सकते हैं। नंबर तीन, आंखों के स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों, आंखों की समस्या से बचे रहने के लिए भी आपको पालक के फायदे लाभ पहुंचा सकते हैं। दरअसल आंखों की दृष्टि को स्वस्थ रखने के लिए गहरे हरे रंग के पत्तेदार साग का सेवन करने की सलाह दी जाती है, जिसमें से पालक भी एक है। पालक में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है, जो मुख्य रूप से आंखों में होने वाले मैक्युलर डीजनरेशन यानी कि नेत्र रोग के खतरे को कम कर सकता है। नंबर चार, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों, हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम सबसे जरूरी पोषक तत्व होता है, जो हड्डियों के निर्माण से लेकर उनके विकास में मदद करता है और उन्हें मजबूती प्रदान करता है। पालक में कैल्शियम और विटामिन के पाए जाते हैं, इसलिए हड्डियों के स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए आप पालक को दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं। नंबर पांच, मस्तिष्क स्वास्थ्य और तंत्रिका तंत्र के लिए। दोस्तों, पालक में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है और कैल्शियम नर्वस सिस्टम के कार्य को सामान्य रूप से चलाने में मदद करता है। मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए भी पालक के फायदे देखे जा सकते हैं। पालक मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए उपयोगी विटामिन के, ल्यूटिन, फोलेट और बीटा कैरेटीन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। पालक का सेवन याददाश्त शक्ति को मजबूत करने का काम करता है। नंबर छह, हार्ट अटैक के खतरे में। दोस्तों, हार्ट अटैक के खतरे से बच रहने के लिए भी आप पालक का सेवन कर सकते हैं। पालक को नाइट्रेट पोषक तत्व से भरपूर सब्जियों में गिना जाता है, जो स्ट्रोक और हार्ट अटैक की वजह से होने वाली मौत के जोखिम को कम कर सकता है। नंबर सात, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। दोस्तों, पालक के फायदे ब्लड प्रेशर से होने वाले जोखिम को भी कम करते हैं। पालक में नाइट्रेट की मात्रा पाई जाती है। नाइट्रेट युक्त पालक ब्लड प्रेशर को कम करने में लाभदायक परिणाम दिखाता है। साथ ही ब्लड प्रेशर के कम होने के साथ
हृदय स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचता है। इसके अतिरिक्त पालक में पेप्सिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को सुधारने में मदद करता है। नंबर 8, एनीमिया के खतरे को कम करता है। जी हाँ दोस्तों, एनीमिया यानी कि शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी का सबसे ज्यादा खतरा गर्भावस्था के दौरान होता है। आयरन की कमी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एनीमिया के जोखिम को कम करने के लिए आयरन की भरपूर मात्रा की आवश्यकता होती है जो कि पालक के जरिए पूरी की जा सकती है। नंबर 9, एंटी इंफ्लामेटरी के रूप में। दोस्तों, पालक आपके स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए एंटी इंफ्लामेटरी के रूप में भी कार्य करता है। दरअसल एंटी इंफ्लामेटरी क्रिया सूजन को कम करने और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को ठीक करने का गुण रखती है। इसलिए पालक को एंटी इंफ्लामेटरी आहार के रूप में उपयोग करने की सलाह दी जाती है। नंबर 10, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। दोस्तों, रोग मुक्त होने के लिए इम्यूनिटी का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। पालक में विटामिन ई की भरपूर मात्रा पाई जाती है और विटामिन ई रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। नंबर 11, पाचन स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों, पालक के अंदर फाइबर और पानी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। फाइबर मुख्य रूप से खाने को पचाने का कार्य करता है। इसके अलावा फाइबर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को स्वस्थ रखने के लिए पेट के कैंसर से बचाव करता है और कब्ज जैसी समस्याओं पर प्रभावी रूप से काम करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पालक के रोजाना सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में। नंबर 1, किडनी स्टोन की हो सकती है समस्या। जी हाँ दोस्तों, आप रोजाना पालक का सेवन करते हैं तो शरीर पोषक तत्वों को पूरी तरह से अवशोषित नहीं करेगा, जिसकी वजह से किडनी में पथरी की संभावना बढ़ सकती है। दरअसल पालक में प्यूरिन और ऑक्सेलिक एसिड की काफी मात्रा होती है। ज्यादा लंबे समय तक इसका सेवन पथरी की समस्या उत्पन्न कर सकता है। नंबर 2, पाचन संबंधी परेशानी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पालक फाइबर रिच फूड है, ज्यादा मात्रा में पालक का सेवन गैस, ब्लोटिंग, पेट में दर्द आदि समस्याओं का कारण बन सकता है। यहाँ तक कि डायरिया और बुखार भी हो सकता है, इसलिए सीमित मात्रा में ही पालक का सेवन उचित है। नंबर 3, ब्लड संबंधी परेशानी। दोस्तों, पालक विटामिन के का अच्छा सोर्स होता है। यदि आप कोई खून को पतला करने वाली दवाई का सेवन कर रहे हैं तो पालक के सेवन से बचना चाहिए, वरना पालक उन दवाइयों के साथ प्रतिक्रिया कर उन दवाइयों के प्रभाव को रोक सकता है। दोस्तों, पालक को अच्छी हेल्थ का खजाना कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, इसलिए पालक को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, लेकिन इसके साइड इफेक्ट का भी ध्यान रखें। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही फायदेमंद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ।